दिल्ली में ठंड का कहर, न्यूज इंडिया NIN आपको बताएगा दिल्ली की हर खबर। जी हाँ, नई दिल्ली इस साल ठंड नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। रविवार को दिल्ली NCR में पारा 2.4 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान आज 2 से 3 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के सफदरजंग में आज तापमान 3.4, पालम में 3.2 और लोधी रोड में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आने से लोगों में कपकपी वाली ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से जानलेवा ठंड कहीं न कहीं लोगों को बेहाल कर रही है। शनिवार को न सिर्फ सीजन की सबसे अधिक सर्दी रही, बल्कि 1992 के बाद पारा इतना नीचे गया, वहीं ठंड ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार इतने वक्त सर्दी दिसंबर 1997 में देखी गई थी। वहीं आपको बता दें कि कोहरे का असर यातायात पर भी दिख रहा है। रविवार को कोहरे की वजह से 185 ट्रेनें लेट कर दी गई, ये कॉपी देर तक चला रहा। इससे पहले शनिवार को कोहरे के कारण IGI पर 150 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई, 2 कैंसिल करनी पड़ी, 10 ही लैंड कर पाए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के पास 15 गाड़ियां टकरा गई, इन हादसों में 12 लोग घायल हो गए। वहीं 24 ट्रेनें कोहरे के कारण 2 से 5 घंटे लेट रही। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में लगातार गिर रहे तापमान के चलते रविवार को सोमवार को रेड अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि जहां 8 जनवरी तक उत्तर और मध्य भारत में ऐसी ही ठंड बनी रहेगी, वहीं उससे अगले हफ्ते 9 से 15 जनवरी तक तापमान के और भी कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी मैदानी इलाकों में 31 से 3 जनवरी के बीच बारिश का भी अनुमान है। इस दौरान राजधानी में भी बारिश हो सकती है। न्यूज इंडिया NIN से ब्यूरो रिपोर्ट।